नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम रिश्तों से जुड़ी कुछ स्विच वर्ड्स की चर्चा करने वाले हैं। दो लोग जब रिश्ते में होते हैं तो रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, चीज़ें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। कभी कभी जीवन बहुत सरल होता है और कभी कभी बड़ा ही विकट हो जाता है। तो ज़्यादातर रिश्तों में फीमेल्स को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कभी कभी अपने मेल को समझ नहीं पाती, या कभी कभी उनके जो मेल पार्टनर होते हैं उन्हें अपने आप को समझा नहीं पाते, क्योंकि दोनों की ही परवरिश अलग तरीके से हुई है। तो मेल्स कभी कभी जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही अजीब हो जाते हैं रिश्तों में। और मैं लैंगिक आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मतलब कि एक फीमेल के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी की भी बात हो सकती है यहाँ पर, और एक मेल के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी की भी बात हो सकती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ जब बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो किन किन कारणों की वजह से चीज़ें अच्छी नहीं होती, और उन्हीं कारणों के लिए मैं स्विच वर्ड आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं सबसे पहला कि आप अपने पार्टनर के साथ लंबे समय से रह रहे हैं और जीवन में एक प्रेम थोड़ा सा दूर चला गया है, रोमांस दूर चला गया है, बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं अच्छे से लेकिन उतनी अच्छे से बात नहीं होती है, प्रेम कहीं दूर से चला गया, पुराना काफ़ी समय से साथ में रहते रहते। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? एक बहुत ही अच्छा वैदिक स्विच वर्ड है, रास लीला। सुनने में अजीब लग रहा है, भगवान श्री कृष्णा से जुड़ा हुआ ये शब्द है रासलीला। भगवान श्री कृष्णा राधा माँ के साथ, अपनी गोपिकाओं के साथ रासलीला किया करते थे, तो ये स्विच वर्ड वहीं से आया है। और जब भी रासलीला स्विच वर्ड को हम एंचेंट करते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम वापस आने लगता है, क्योंकि हम वो प्रेम अपने पार्टनर और हमारे बीच ही चाहते हैं। तो रासलीला ये स्विच वर्ड आप इंचेंट करेंगे, सारे अभी जो मैं सारे जितने भी स्विच वर्ड बताऊंगा सभी 108 की माला में, या कुछ एक को 51 बार भी कर सकते हैं। तो रासलीला स्विच वर्ड 11 दिन का अभ्यास होगा, 11 दिन इसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी जल्दी ये चीज़ आ गई है। दूसरा, वशीकरण। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने गृहस्थ में अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही है जा रही है और आपकी सुनी नहीं जा रही, आप अच्छी बात कह रहे हैं आपको वो सुन नहीं रहे हैं, आपके घर वाले ने सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर के सब चीज़ को आप देख रहे हैं, आप उनका हेल्थ देख रहे हैं, आप उनकी शिक्षा को देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में वशीकरण एक ऐसा स्विच वर्ड है जो आपको आपका प्रभाव उन पर पहुंचाएगा। तो वशीकरण स्विच वर्ड को 51 बार या 108 बार इंचेंट किया जाए, 108 सबसे अच्छी मात्रा होती है। अगर आपके पास कोई माला है ऐसे रुद्राक्ष की तो उसके साथ आप इंचेंट करें, जिससे आपके अंदर वशीकरण की शक्ति बढ़ने लगेगी, नॉट ओनली योर पार्टनर, आपके घर के बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, बड़े बुजुर्ग कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, उनको आप बोलते हैं कि ये मत खाइए ये खाइए, तो लेकिन वो फिर भी वही करते हैं जो आपने मना किया होगा, बच्चे भी कभी कभी ऐसा करते हैं। तो उस कंडीशन में उनके पानी में वशीकरण 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 ऐसे 11 बार बोल करके आप जब देते हैं उन्हें, तो वो पानी उनके बड़ा उन्हें वशीकरण में लेकर के आ पाता है। ध्यान रखना कि आप ये सारे सात्विक स्विच वर्ड्स हैं, तो आप इसको चाह कर भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी की स्वतंत्रता छीनने के लिए, किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए करेंगे तो वैसे भी ये नहीं हो रहा। आप अच्छी मंशा के साथ, अच्छी मर्यादा के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि रिश्तों में एक और चीजें होती है कि दो लोगों के बीच में ना प्रेम तो बहुत है बट बनती नहीं है। एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक ही बात को लेकर दो लोगों की अलग राय होती है, कभी एक दूसरे से सहमति नहीं हो पाती, सहमति के नाम पे बहस हो जाता है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना अपना ईगो लेकर के आ रहे हैं।
उस कंडीशन में सहमति बैठे, आप दोनों की किसी एक चीज पे सहमति बैठे, या कभी आप उनसे सहमत हो जाएं, कभी वो आपसे सहमत हो जाए, तो इस सामंजस्य को बैठाने के लिए एक वैदिक स्विच वर्ड है जिसे आप लिख लीजिए, रिद्धि सिद्धि। भगवान गणेश जी की ये दो पत्नियों का नाम है रिद्धि सिद्धि। आपने बहुत बार हिंदू कथाओं में इनका नाम सुना होगा। तो रिद्धि सिद्धि एक ऐसा स्विच वर्ड है जो सामंजस्य बैठाता है। आप रिद्धि सिद्धि 108 बार इंचेंट कीजिए, आपके रिश्तों में सामंजस्य आना शुरू हो जाएगा। अपने बेडरूम में रिद्धि सिद्धि का ऐसे पोस्टर बना के, फोटो बना कर के, या ऐसे हाथों से लिख करके ड्राइंग बना के चिपका दीजिए, सामंजस्य आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जब भी कभी ऐसे बहस की स्थिति आ रही है, मन आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि 11 बार इंचेंट कर लीजिए, और आप देखेंगे कैसे सामंजस्य बैठना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे का मन आपस में मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब रिश्तों में और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है रिश्तों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए? ऑब्वियसली बात है, रूप रंग। समय के साथ आप अपने रूप रंग पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। सौंदर्य आप चाहते तो हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आ रहा है, कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सौंदर्य प्राप्त तो नहीं हो पा रहा है। तो दैवी सौंदर्य आपको चाहिए। सुंदर, अगर आप और आपके पार्टनर दोनों सुंदर रहेंगे तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम बना रहेगा। तो सुंदरता, दैवी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, रूप रंग को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए एक आध्यात्मिक स्विच वर्ड है, मंत्रों जैसा है ये, कुछ ऐसा है। इसको आप तो माला के साथ ही जपना, और जब भी आप मुंह धो रहे हैं, जब भी आप नहा रहे हैं, जब भी आप चेहरे का कोई मेकअप कर रहे हैं, जब भी आप अपने आप को संवार रहे हैं, उस समय इस मंत्र का प्रयोग जरूर करना। और ये मंत्र है, वसामुखी राजमुखी स्वाहा, वसामुखी राजमुखी स्वाहा, वसामुखी राजमुखी स्वाहा। मुंह धोते वक्त मन में चलने दो, मेकअप कर रहे हैं मन में चलने दो। माला के साथ एक सुंदर रूप, अप्सराओं जैसा रूप का की कल्पना करके वसामुखी राजमुखी स्वाहा करिए। 108 बार गहरी सांस लीजिए, और एक एक ही सांस में करना, ठीक है? मतलब ये 108 एक सांस में नहीं होगा भाई, कि गहरी सांस लेकर के वसामुखी राजमुखी स्वाहा, वसामुखी राजमुखी स्वाहा, वसामुखी राजमुखी स्वाहा, वसामुखी राजमुखी स्वाहा, है ना। जितने 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार आपसे हो सकता है उतने बार आप करिए उसको। फिर गहरी सांस कीजिए और फिर वही कीजिए, आप देखेंगे तुरंत ही आपको एक गंभीर शांति प्राप्त होगी, तुरंत ही आपको दिव्यता प्राप्त होगी, तुरंत ही आपको परमात्मा के आसपास होने का एहसास हो जाएगा, आपको डिवाइन के आसपास होने का अंदाजा हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूप रंग को देख लिया, तो अब बालों को भी देख लेते हैं, है ना। सुंदर बालों के लिए, बालों सुंदर बाल, सुंदर केश, रूप रंग में 4 चांद लगा देते हैं, तो आपको सुंदर बालों के लिए भी वैदिक स्विच वर्ड है, उसका भी इंचेंटमेंट ऐसे ही करना, ठीक है? जब भी बाल सवार रहे, जब भी कंघी कर रहे, कंघी में लिख लीजिए स्विच वर्ड है, जान लीजिए स्विच वर्ड है अमोल की, कंघी में लिख सकते हैं, जब भी कंघी कर रहे हैं अमोल की, अमोल की, जब भी हेयर ऑयल लगा रहे हैं बालों में, कुछ कलर कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, वॉट एवर, जो भी मिठास शिकाकाई शैम्पू जब भी कर रहे हैं, तो अमोल की अमोल की अमोल की। अभी नहाते वक्त आपने वसामुखी राजमुखी स्वाहा किया, फिर अमोल की अमोल की अमोल की बालों के साथ किया, तो ये आपके बालों को सुंदर बनाना शुरू कर देगा। सुंदर बाल आपको मिलेंगे, केश आपके लंबे घने, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ये स्त्रियों को, सुंदर केशों की उनको सबसे ज्यादा इच्छा होती है। अब समय के साथ मोटापा बढ़ता है, एक वैवाहिक जीवन में आप रहते हैं तो अपना ध्यान नहीं रख पाते, सुंदरता का ध्यान नहीं रख पा रहे, बालों का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो फिटनेस का क्या खा कर रखेंगे, है ना। तो मोटापा अगर बढ़ रहा है तो आप मोटापे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो साथ में इस स्विच वर्ड को भी डाल लीजिए। ये हनुमान जी का स्विच वर्ड है, हनुमान जी की शक्ति से भरा हुआ स्विच वर्ड है, इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्विच वर्ड है लघी माँ, लघी माँ। ये आपको बल, सामर्थ्य, शक्ति देता है, मसल्स में पावर देता है, हड्डियों में दम देता है, ताकि आप एक्सरसाइज, वर्कआउट जो भी करना चाह रहे हैं, आपका शरीर आपका साथ देगा। हाँ, साथ में एक मंत्र और ऐड कर लीजिए, सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा, सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा। ये आपके बेसिकली ये फीमेल्स के लिए होगा,
बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए, सुंदर सुडौल शरीर के लिए। और लघी माँ बजरंग बली का, भगवान महावीर का ये शक्तिशाली स्विच वर्ड है, तो ये मेल्स को ज़्यादा काम आएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई मेल या फीमेल वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, आप दोनों स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेल ऑलरेडी शक्तिशाली वो सौंदर्य को प्राप्त करना चाह सकता है, जो फीमेल सौंदर्य है उसके पास तो वो बल शक्ति को प्राप्त करना चाहती है ताकि वो अपना वर्कआउट एक्सरसाइज अपना डेली रूटीन को अच्छे से कर सके। तो दोनों ही, तो कैसे जपेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे बताया, गहरी सांस खींचा, लघी माँ लघी माँ लघी माँ लघी माँ लघी माँ, ऐसे करें, या फिर लघी माँ लघी माँ लघी माँ, अगर 108 बार कर रहे हैं तो एक सांस में कई बार बोल दीजिए, या और अगर 11 बार या 21 बार का अभ्यास कर रहे हैं तो एक सांस खींच करके एक ही बार कर, उससे क्या है आप स्विच वर्ड के साथ जुड़ पाएंगे, अंतर तक समा पाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही जब सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा, तो गहरी सांस लेके सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा, तो 108 बार का प्रयोग कर रहे हैं तो एक सांस में 3 4 5 बार बोल ले सकते हैं। और अगर 11 बार ही कर रहे हैं या 21 बार कर रहे हैं तो गहरी सांस लेकर एक ही बार बोले। बेटा यहाँ पर ना सांसों का बड़ा फेर है, स्विच वर्ड अपनी जगह है, जैसा भी उसका प्रयोग हो रहा है उसकी शक्ति अपनी जगह लगे, लेकिन सांसों पे किया हुआ अभ्यास आपके बड़े काम आता है। अगले स्विच वर्ड पे आते हैं। अब यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा है, प्रेम हो गया, सौंदर्य हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब बहस होते हैं, झगड़े होते हैं, तब क्या होता है? गुस्सा आता है, आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है, उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में कंट्रोल नहीं रह जाता, तो कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है जिसकी वजह से आपको ही पछतावा रह जाता है या उन्हें बड़ा पछतावा रह जाता है कि ये क्या हो गया। तो ऐसे कंडीशन में शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम, ये स्विच वर्ड गुस्से को तुरंत कंट्रोल करता है, खुद के भी दूसरे के भी। आप ये खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। बहुत अधिक क्रोधी इंसान है तो 108 की माला करें, अदरवाइज 21 बार का अभ्यास काफी है, दिन में 3 बार जरूर करें। अगर आप खुद जानते हैं कि आप बहुत जल्दी तुनकते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी अबिश में जाते हैं, तो ये अभ्यास डेली करें, 11 दिन के भीतर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। किसी और को भी अगर गुस्सा आ रहा है, जैसे किसी बच्चे को आपके घर के बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किसी युवा को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा है, बुजुर्ग को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्से में आवेश में है, बड़बड़ा रहा है, आपको मालूम है कि गुस्से में, तो उनके गुस्से को शांत करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, गुस्सा आ रहा है तो लो पानी पी लो। तो अगर आप पानी दे रहे हो तो पानी को हाथ में ले करके शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम 11 बार गहरी सांस लेके इंजेंट कर लीजिए, है ना, और वो पानी पर उन्हें ऑफर कर लीजिए। बॉटल में पानी है, चाहे आप गिलास या लोटे में पानी दे रहे हो, तो ये इंचैंट कर लीजिए, है ना। वैसे मैं बताना चाहूँगा बेटा, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये कांच की बॉटल है, नीचे क्लियर क्वार्ट्ज भरा हुआ है, वैसे ही सातों चक्रों के अलग अलग क्रिस्टल्स से लगे हुए ऐसे बॉटल्स उपलब्ध होते हैं। आपको जिन भी चक्र पे आप काम कर रहे हैं या जिस चक्र से जुड़े आपकी कोई समस्या चल रही है, तो उस पर आप जब ध्यान लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे बॉटल में पानी रख करके पीना आपके उन चक्रों को शक्ति प्रदान करता है। तो ये लगे हाथ, ये भी चलो ये बात हो गई है ना। तो हाँ, शांतम पापम, तो पानी के साथ ये प्रयोग करना सबसे आसान होता है, क्रोध भीड़ के क्रोध को शांत किया जा सकता है शांतम पापम का प्रयोग करके। जब रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते ना, तो कोई तीसरा इंसान घुस रहा होता है बीच में, कोई जबरदस्ती का दोस्त बन गया, कोई फ्रेंड बन गया और आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, जबरदस्ती कंधा बन रहा है। आपके पार्टनर अच्छे हैं, उनका मन भी साफ है, लेकिन कोई तीसरा इंसान जबरदस्ती उसमें खराबी लेकर के आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बाहर करना चाहते हैं आप, तो ये वैदिक स्विच वर्ड आपके बड़े काम आएगा। उच्छटन उच्छटन उच्छटन, गहरी सांस भर के, आसन लगा के, हाथ में माला लेकर के 108 माला का जाप करें, उस पर्सन का ध्यान करें और उच्छटन का प्रयोग करें। भाव आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि इसे बाहर करो,
भाव आपके ऐसे होने चाहिए कि इन्हें कहीं और अच्छी व्यवस्था दो। सीधी सी बात है, जो आपके पार्टनर के साथ चिपक के बैठा हुआ है, अगर उसको कोई और बेहतर इंसान मिलता है तो वो उसके साथ रहेगा अच्छे से सुखी, वो दोनों सुखी रहे, आप दोनों सुखी रहे, कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पे किसी का नुकसान कर ही नहीं रहे, आप किसी का भला ही कर रहे। तो 108 बार उच्चैठन का प्रयोग करके आप तीसरे पर्सन को बाहर कर पाते। तो इस प्रकार से रिश्तों से जुड़े ये स्विच वर्ड पूरे हुए। जहाँ तक मैं समझता हूँ इतने ही प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों में, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती होंगी तो फ्यूचर में और चर्चा करते रहेंगे, है ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जी, आज्ञा दीजिए, आज के अध्याय में इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।